हेलो एवरीवन वेलकम टू द वीडियो हम कर रहे थे वर्क एंड टाइम इस टॉपिक को इसके अंदर हमने एलसीएम मेथड को सीख लिया था आज बारी है उसी एलसीएम मेथड को थोड़ा और गहराई से सीखा जाए आज हम डील करेंगे कुछ ऐसे सवाल से जिनके अंदर कुछ समय के बाद या तो मैन काम को छोड़ के चला जाएगा या फिर उसके अंदर कुछ नए मैन ऐड हो जाएंगे तो इन क्वेश्चन के अंदर एल मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे वही हम जानेंगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से ए कैन कम्प्लीट of वर्क इन ट्वेंटी डेज ए ने एक काम को बीस दिन के अंदर कर लिया एंड बी कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन ट्वेंटी फाइव डेज बी ने उसी काम को पच्चीस दिन के अंदर कर दिया इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टूगेदर दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया बट आफ्टर फाइव डेज पाँच दिन के बाद बी लेफ्ट बी ने काम को लेफ्ट कर दिया इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड अब पूरा कार्य कितने दिन में कम्प्लीट होगा ये बताना है सेम हमने इन दोनों का टाइम लिया कल की तरह ही अब हम इनकी निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे एलसीएम। ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव एलसीएम क्या आएगा हंड्रेड ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क अब निकालेंगे इन दोनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल टाइम से जो इनका सॉरी टोटल जो वर्क आया था इससे डिवाइड करवा देंगे इन दोनों के टाइम को हंड्रेड बाई ट्वेंटी तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी फाइव यूनिट एंड हंड्रेड बाई ट्वेंटी फाइव बी की एफिशिएंसी आ जाएगी फोर यूनिट अब आगे इन्होंने क्या कहा है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया तो ए प्लस बी इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फाइव प्लस फोर नाइन यूनिट नाइन यूनिट हो गया आगे क्या बी लेफ्ट द वर्क अब बी ने इस काम को लेफ्ट कर दिया तो बचा हुआ काम किसने किया होगा ए ने अब सबसे पहले इन दोनों ने कितने दिन काम किया फाइव डेज के लिए तो इन दोनों ने टोटल कितना वर्क कर दिया होगा फाइव डेज के अंदर नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव यूनिट अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया हंड्रेड में से ये फोर्टी फाइव माइनस कर देंगे क्योंकि हंड्रेड हमारा टोटल वर्क था इसमें से ये फोर्टी फाइव तो हो चुका है तो लेफ्ट कितना रह गया फिफ्टी फाइव यूनिट अब ये फिफ्टी फाइव यूनिट इसको ए कंप्लीट करेगा आगे तो ए की एफिशिएंसी क्या है फाइव यूनिट अब इस फाइव से इस फिफ्टी फाइव इस फिफ्टी फाइव को इस फाइव से डिवाइड करवा दिया तो ए ने रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट किया रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया ए ने फिफ्टी फाइव बाई फाइव इलेवन डेज के अंदर अब अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाता कि रिमेनिंग वर्क को कितने दिन के अंदर ए ने कंप्लीट किया तो इसका आंसर इलेवन डेज आ जाता बस बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है भी ये टोटल वर्क था ये टोटल वर्क पूछा गया टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये बताना है तो इलेवन डेज तो इस ए ने अकेले ने किया और फाइव डेज इन दोनों ने मिल किया था तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे इलेवन प्लस फाइव तो हमारा काम जो कंप्लीट हुआ है वो सिक्सटीन डेज के अंदर कंप्लीट हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्सटीन डेज अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और करते हैं सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन टेन डेज एंड फिफ्टीन डेज ए कर सकता है टेन डेज के अंदर एंड बी फिफ्टीन डेज के अंदर आगे क्या पूछा है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर दोनों ने एक साथ काम शुरू किया बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क कुछ समय के बाद ए ने उस वर्क को लेफ्ट कर दिया एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन नाइन डेज अब ये पूरा काम नौ दिन के अंदर कंप्लीट होगा देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा होगा ये बताना है तो सबसे पहले सेम वही करेंगे इन दोनों कैल्शियम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे इन दोनों कैल्शियम आ जाएगा थर्टी ये हो जाएगा टोटल वर्क अब देखिए ये इन्होंने कहा भी ये पूरा काम नाइन डेज के अंदर कम्प्लीट हुआ है और काम को बीच के में छोड़ के कौन गया ए तो छोड़ के चला गया था बीच में बट बी ने तो पूरे नौ दिन काम किया है तो बी ने इस थर्टी में से कितना काम कर दिया होगा बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और ए की निकालेंगे तो बी ने टोटल कितना काम कर दिया होगा नाइन डेज के अंदर एटीन यूनिट अब वर्क लेफ्ट कितना रह गया थर्टी माइनस एटीन माइनस किया कितना रह गया ट्वेल्व यूनिट अब ये जो ट्वेल्व यूनिट है इसको किसने किया होगा इसको ए ने किया होगा क्योंकि इन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था इसके बाद बी ने उस काम को कंप्लीट किया था बट ए बीच में छोड़ के चला गया था तो ए का इसके अंदर सिर्फ ट्वेल्व यूनिट का ही था तो ट्वेल्व यूनिट बाय थ्री क्योंकि इसकी एफिशिएंसी थ्री थी तो ए ने कितने दिन काम किया होगा फोर डेज इसका आंसर आ जाएगा बी चार दिन के बाद ए ने इस काम को लेफ्ट कर दिया होगा नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी टाइप का ही ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन टेन डेज ट्वेल्व डेज एंड फिफ्टीन डेज ये तीनों इतने इतने टाइम में इस काम को करते हैं दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया बट ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग थ्री डेज ए ने तीन दिन काम करके उस काम को छोड़ दिया एंड सी लेफ्ट फोर डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क वर्क कंप्लीट होने से चार दिन पहले सी ने छोड़ दिया काम इन हाउ मैनी इन हाउ मच टाइम द होल वर्क कम्प्लीटेड पूरा काम कितने टाइम के अंदर हुआ होगा ये हमसे पूछा गया सबसे पहले वही करेंगे ए बी एंड सी इन तीनों का टाइम लिख लेंगे ये था टेन फिफ्टीन टेन सॉरी ट्वेल्व एंड फिफ्टीन इन तीनों ने इतने दिन दिन में काम को किया था अब इनका एलसीएम ले लेंगे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा सिक्सटी ये हो जाएगा टोटल वर्क आगे इन तीनों की निकाल लेंगे एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी बी की आ जाएगी फाइव एंड सी की आ जाएगी फोर यूनिट अब आगे क्या कहा है ए ने इस काम को तीन दिन के बाद छोड़ दिया ये तीन दिन के बाद ए ने छोड़ दिया तो ए ने कितना काम किया होगा एटीन यूनिट एंड सी लेफ्ट फोर डेज बिफोर द कंप्लीशन सी ने चार दिन पहले छोड़ा था तो अब हमें ये नहीं पता भी काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है बट ये पता है कि जितने भी दिन में कंप्लीट हुआ है उसके अंदर B ने पूरे के पूरे के दिन काम किया है, तो हम मान लेंगे भी, पूरा मान लेते वर्क कंप्लीट हो गया एक्स डेज के अंदर सो so बी ने कितना काम किया होगा फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स यूनिट एंड सी ने कितने दिन काम किया था चार दिन पहले छोड़ दिया था कंप्लीट होने से फोर इंटू एक्स माइनस फोर ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस सिक्सटीन ये काम किया है सी ने अब इन तीनों को जब ऐड करवा देंगे यही तो हमारा टोटल वर्क होगा तो एटीन प्लस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटीन ये किसके इक्वल आ गया ये आ गया सिक्सटी के ये हमारा टोटल वर्क था अब यहाँ से देखिए नाइन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी एट यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फिफ्टी एट बाई नाइन यानी कि सिक्स होल फोर बाई नाइन इतने दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हुआ होगा ये तो हमने x माना था भी x के अंदर x डेज के अंदर टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है और x की वैल्यू ये आई है सिक्स होल फोर बाई नाइन इस इतने टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट हुआ है सो इसका आंसर आ जाएगा सिक्स होल फोर बाई नाइन ए ऑप्शन आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको समझ आया होगा अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच